सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम धन हित चातकी घन श्याम धन हित मोरनी। आइए आज आप लोगों के समक्ष भगवान के छठवें अवतार दत्तात्रेय अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं करिश्मा किशोरी मैनपुरी से आज आप लोगों के समक्ष छोटी सी प्यारी सी कथा दत्तात्रेय अवतार लेकर चल रही हूँ। तो आपको बता दें, अत्रि मुनि और माता अनुसुईया, इनका नाम तो सबने सुना होगा और ये कथा भी लगभग सभी ने सुनी होगी क्योंकि बहुत ही अच्छी प्यारी कथा है ये। जब माता अनुसुईया, जिस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का पृथ्वी लोक पर डंका बज रहा था, जिस समय माता पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, उनका नाम था इस दुनिया में, हर जगह माता अनुसुईया के नाम का गुणगान हो रहा था। तो इसी बात को नारद जी ने जब सुना तो वो तीन देवियों के पास गए। तीन देवियाँ कौन हैं? वो हैं लक्ष्मी मैया, ब्रह्मांडी मैया और गौरा मैया। इनके पास जाती हैं तो नारद जी कहते हैं, माता आप तो सब जानती हो, आजकल देखो पृथ्वी लोक पर क्या चल रहा है, माता अनुसुईया के नाम का डंका बज रहा है। माता ने कहा, अच्छी बात है, डंका बज रहा है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है वो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, मैया अभी तो आपसे भी ज्यादा है। तो माता क्रोधित हो जाते हैं, तीनों माताएं बड़ी गुस्सा हो जाती हैं। नारद जी तो चले जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात गूंज रही होती है कि वो मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है, मुझसे ज्यादा पत धर्म का पालन कैसे कर सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पत धर्म का पालन हम तीन करते हैं। उनके तीनों देव जब घर आए तो माता ने कहा, स्वामी आज मैं, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, जब से नारद जी ने मुझसे ये कहा है कि माता अनुसुईया का पृथ्वी लोक पर डंका बज रहा है, उनके नाम की चर्चाएं गली गली घर घर में हो रही हैं। तो माता ने कहा, आप इसी समय जाइए और उनके पत धर्म का नष्ट करके आइए, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे शिवा इस दुनिया में कोई और दूसरा पत धर्म का इतना पालन करे। तो तीनों देवों ने सोचा, इन्हें समझाना बेकार है क्योंकि कोई बात अगर, जैसे आप लोगों को ले दीजिए, आपसे कोई जिद कर रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप कहो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप इस बात को लेकर टाइम बेकार करेंगे कि हम कर सकते हैं, अगर उसी टाइम में आप उस काम को करके दिखा दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो प्रभु ने सोचा, समझाने से अच्छा है करके दिखा देते हैं, इन्हें भी पता चल जाएगा कि ये असंभव है। तो तीनों देव चलते हैं, रास्ते में तीनों देव मिल जाते हैं तो समेट जाते हैं, एक शाप हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो एक ही काम के लिए जा रहे हैं।
मैया के द्वारे जब पहुंचते हैं तो अत्रि मुनि स्नान करने गए थे। मैया के द्वारे पहुंचते ही वो भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। मैया फल इत्यादि लेकर बाहर आते हैं। मैया के जैसे ही फल देने वाली होती हैं, वैसे ही वो तीनों संत जो देव थे साधुओं का भेष बना लिया और उन्हें मना करते कि नहीं माता, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोजन करना है। तो उन्होंने कहा अंदर आइए, लेकिन उन्होंने कहा हम एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे वैसे ही भोजन कराएंगे जैसे हम कहेंगे। तो माता ने सोचा कि शायद इन लोगों को कुछ दिन से मेवा वगैरह नहीं मिले होंगे, इसी के लालच से ये हमसे वचन ले रहे हैं। तो मैया वचन दे देती है कि ठीक है, आप जैसा चाहेंगे हम वैसे आपको भोजन करा देंगे। तब तीनों साधु बोलते हैं आप मुझे उस अवस्था में भोजन कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से निकले थे, यानी नग्न अवस्था में आप मुझे अपनी गोद में भोजन कराइए। माता क्रोधित हो जाती है, माता कहती है तुम्हें नहीं पता मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे श्राप से तुम्हें डर नहीं लगता? तो संत बोलते हैं माता आपकी चर्चा तो दुनिया में है और आपने मुझे वचन दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। माता उसी समय समझ जाती है कि ये तीनों देव, तीनों साधु, तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि माता से तो पंगा वही ले सकता है जो उन्हें झेल सके। माता ने कहा आप इंतजार करिए, मैं तैयार होके आती हूँ। तो माता उसी समय जाती है, कलश लाती है, उसमें पानी होता है, हाथ में पानी लेती है और नेत्र बंद करके भगवान से विनती करती है कि हे प्रभु, अगर आज तक हमने पति धर्म का पालन किया है, आपकी सेवा की है, तो ये तीनों साधु बच्चे बन जाए। माता के इतना कहते ही, माता के जल छिड़कते ही तीनों साधु बच्चे बन जाते हैं और माता अब उन्हें उसी अवस्था में दुग्ध पान करा देती हैं और अब माता उन्हें खिला रही हैं। और कैसे खिला रही हैं, माता पालना डाल लिया है, तीनों बच्चों को उसमें लिटा लिया है और कैसे खिला रही हैं, आइए हम भी माता का सहयोग करते हुए चले। कि माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, हाँ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। Thank you.
तीन देव बन कर के लालना, भूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई बैठी नानिया पे डमरू बजैया, डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई बैठी नानिया पे डमरू बजैया, डमरू बजैया। माता आ जाती है, माता को आते ही माता अनुसुईया जब तीनों देवियों को देखती है कि ये यहां कैसे, और माता वहां कैसे आई थी। जब नारद जी ने माता को खबर दी कि मैया ये आपने क्या कर दिया, तीनों देवों को नीचे भेज दिया, अब उनका हाल देखो जाके, तीनों बालक बने पड़े हुए हैं। तब मैया पृथ्वी लोक पर आती है और माता अनुसुईया से विनती करती है कि माँ मुझे मेरे पतियों को लौटा दीजिए, हम ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। तो माता सहमत हो जाती है। माता उसी समय उन्हें बच्चों से देव बना देती हैं, और जैसे ही भगवान चलने वाले होते हैं तब माता कहती हैं कि प्रभु आपको खिलाकर मेरा मन नहीं भरा। तो भगवान भी कहते हैं कि आपकी ममता से भी मेरा मन नहीं भरा माँ। उसी समय ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय अवतार होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान राज की।